व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखने वाले हैं अयोध्या में श्री राम के इंतजार में पूरी दुनिया हुई राममय। पाक मीडिया शॉक्ड, पाक मीडिया रहेगा शॉक्ड हमेशा भैया, कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे वीडियो एंजॉय। जय हिंद, जय भारत, जय श्याम, सबको लिख देना भाई। कल 22 जनवरी है तो बिल्कुल दिवाली की तरह सेलिब्रेट करें। देखते हैं पूरी वीडियो, 1 2 3 गो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम आएंगे तो आंगना सजाओगे, बहुत प्यारी आवाज। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, हर जगह जोरों शोरों से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर तैयारी चल रही है, बहुत बढ़िया तैयारी भाई। शेयर कर देना, जय श्री राम। सिया राम, सिया राम, जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के अंदर ये जो बात की गई है या की जा रही है कि जो बाबरी मस्जिद है ये सिंबल ऑफ स्लेवरी था। अच्छा, आप बताएं, आप मुगलों को हीरो समझते हैं? बिल्कुल, वो मुसलमानों के हीरो थे। तो ये कोर्ट का फैसला है जिन्होंने देख के किया है हिस्टोरिकली सारा। यस। दूसरा, जब मैंने पढ़ा यहाँ पे मुगलों ने, जो कि मैं उनका कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, इन्वेडर्स थे, लूटर्स थे, और मार मार के लोगों को उन्होंने मुसलमान किया। उन्होंने यहाँ आके एक एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई। ठीक हो गया। तो वो अगर उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मौजूद है और वहां पे मंदिर बन रहा है, तो आपको चाहिए कि आज आप अपने भारतीय या हिंदू भाइयों को उनकी मुबारकबाद दें, वो जो भी है। फिर भी मैं समझूं आबादत होगी। दूसरा, अगर आपको ज्यादा इस पे फिर भी इस चीज पे आप सेटिस्फाई नहीं होते, तो आप ये देखें कि आपने इस्तांबुल के अंदर एक चर्च को मस्जिद बना दिया। वहां भी लोगों के सेंटीमेंट्स हैं, या तो फिर आप उसको बर्दाश्त करें। फिर आप, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सिंध के अंदर जिसको एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हिंदू बरादरी, लेकिन आप उसको बरादरी का लफ्ज खत्म कर देते हैं, बरादरी आप नहीं समझते उनको, आप उनके साथ क्या सलूक करते हैं? या तो फिर उसके लिए भी तैयारी करें आप, या तो फिर उसको बर्दाश्त करें। तो इस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब कर रहे हैं, मैंने इस पे बड़ी डिटेल स्टडी की है, बल्कि इस पे पूरा एक प्रोग्राम करेंगे कि किस तरीके से अभी चार और ऐसी मस्जिद हैं जिनके बारे, और मैंने 1912 का एक वहां पे गोल्डन सुनहरी मस्जिद भी है न्यू दिल्ली के अंदर, उसके बारे में भी एक केस चल रहा है वहां पे 1912 का, वो एक्ट भी उसमें हम डिफाइन करेंगे जिसमें ब्रिटिश ने कहा था कि स्टेटस को जहां जहां को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है उसको नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि वो हम हिस्टोरिकली इट्स राइट देयर। ये किसी वक्त इस पे एक सेगमेंट करेंगे, लेकिन मैं इस पे, अगर मुझे पूछे तो मैं इस पे हिंदू बरादरी और हिंदू भाइयों को अपने सबको मुबारकबाद दूंगा। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, इट वॉज अ मंदिर देयर प्रूवन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, तो उस पे आप बर्दाश्त करें और उसको सेलिब्रेट करें उनके साथ। यू आर लिविंग देयर, वी हैव बीन लिविंग इन दिस रीजन फॉर सेंचुरीज। वो कैसे? ऐसे जब उस 140 करोड़ लोगों का प्राइम मिनिस्टर है और उन्होंने जो है अपने इंडिया के लिए बहुत काम किया, लेकिन अगर हम बाबरी मस्जिद या मुगल का दौरे हुकूमत की बात करें तो मुगल यहाँ पे भी हैं और मुगलों ने उधर भी बहुत अच्छी अच्छी मस्जिदें बनाई हैं। ये बात तो है, लेकिन ऐसा बाबरी मस्जिद तो सीज करना जाना, उन्हें पुरानी सोच है। तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिनको टॉयलेट बना दिए गया, बहुत से मंदिर यहाँ पर भी ऐसे हैं जिनके ऊपर रोड्स बना दी गई, जो है रेस्टोरेंट्स बना दिए गए, तो यहाँ पर भी हुआ है। लेकिन हमेशा पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं या इंडिया के मुसलमान हैं मुगलों को हीरो समझते हैं, जबकि हिंदू उनको जीरो समझते हैं। जी बिल्कुल, वो जो है ना हमारी एक फेमस जो है ना मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद। ठीक है जी, फेमस मस्जिद थी जिसको उन्होंने गिरा के जो है ना पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा जो है ना उन्होंने वो झटका दिया है, एक जो है ना झटका दिया है। ऐसे मंदिर गिराया भी नहीं है, उनका मंदिर नहीं गिराया। पाकिस्तान में जितने मंदिर भी गिरे हैं किसी जमाने, मुगलों ने जो किए हैं वो मुगलों ने नहीं गिराया, मुगल तो बहुत अच्छे। अच्छा, आप बताएं, आप मुगलों को हीरो समझते हैं? बिल्कुल, वो मुसलमानों के हीरो थे। लेकिन जो आरएसएस चीफ ने बात की है कि जो कहते हैं कि इस टेंपल को बिल्ड करना एक बहुत बड़ा जॉय है, एक बहुत बड़ी खुशी है, और बहुत सारा अभी और काम होना है। अब ये जो बहुत सारा और काम होना है, क्या इससे मुराद और बहुत सारे मंदिर बनाने हैं, क्या और बहुत सारी मस्जिद गिरानी है, और ये किस चीज़ की स्ट्रगल कर रहे हैं? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
जिसे वो कहते हैं ना, वो ख्वाब है, वो कहते हैं इसको फुलफिल होना है और अभी मंजिल जो है अचीव करनी है। सो इट मीन्स कि वो शायद लोगों को ये ज़रूर कह रहे होंगे, शायद वो ये ना कहना चाहते हों कि मस्जिदें गिरानी हैं, बट शायद वो ये कहना चाहते हों कि वो जो एक सोशो कल्चरल एंड पॉलिटिकल नैरेटिव भारत के अंदर होना चाहिए, या जो इंडिया की जो ओरिएंटेशन है, जैसे इंडिया को एज ए भारत कहा जा रहा है या इंडिया एज ए सिविलाइजेशनल स्टेट की बात करते हैं डॉक्टर जयशंकर, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि हिंदू कल्चर जो है, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, कि मुझे उनकी बातों से ये लगता है कि जो हिंदू कल्चर है उसको वो अहमियत दे रहे हैं। और वो कहते हैं हमारी बड़ी लंबी जारी बात है हिस्ट्री है इस हवाले से, बहुत सारे जो कल्चर हैं वो फेड हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, कम होते जा रहे हैं, लेकिन हिंदू कल्चर जो है वो सर्वाइव करेगा। अब ये जैसे वो कहते हैं ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट्स कमिंग फ्रॉम आरएसएस चीफ, वो कहते हैं जी भारत के अंदर बड़े सारे खुदा हैं, बड़े सारी जुबानें हैं, बड़े सारे गॉड्स गॉड्स एंड गॉडसेस हैं, बहुत सारे करोड़ देवी देवता हैं, और जिसे वो कहते हैं ना कि जी दुनिया हमें देख रही है हर तरफ से, एंड हम ये अपना जो मिशन है इसको अचीव करेंगे। सो ऑब्वियसली ये एक इसको सिंबल ऑफ स्लेवरी कहना, इट मीन्स कि इंडिया के अंदर बस ये एक ये जो माइंड सेट है वो प्रिवेल कर गया जो इस हवाले से है। अगर आप देखें कि जो जिसकी जिसे कहते हैं ना कि अब फॉर एग्जांपल जो सिल्वर ब्रिक, ठीक है जी, जिसको डोनेट किया था नरतिया गोपाल ने, जिसकी कहा जाता है कि जो कीमत है वो 26 लाख रुपए के करीब थी, ठीक है जी, मोदी साहब ने इसको लगाया, उसके बाद उसको रिमूव कर लिया गया और फिर उसको बैंक के लॉकर में ले के चले गए। और जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्रा है, आई कांट प्रोनाउंस इट अनफॉर्चुनेटली, वो जो एक ट्रस्ट है, ठीक है जी, जो कहते हैं उसको, वो बहुत अमीर ट्रस्ट होता जा रहा है, और मोदी गवर्नमेंट ने उस वक्त इसकी कहा जाता है कि 1 रुपये डोनेशन दी थी, मोदी गवर्नमेंट ने 1 रुपये की डोनेशन दी थी, लेकिन फिर फंड रेजिंग शुरू हो गई और ये जो ट्रस्ट है राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है, फिर करोड़ों रुपए ये मार्च 2023 तक 3500 करोड़ रुपए आया था इसमें। ये है सच्चाई, जो कहते हैं सरकार ने लौटा दिया पैसा, ये कर दिया वो कर दिया, सरकार ने मदद करी है कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग है जल्दी से जल्दी हो और सच सामने आए लोगों के, और सच आया सामने। और अब 22 तारीख भी आ चुकी है दोस्तों, दिवाली की तरह मनाने आपको, और ये पूरे देखना मैं बता रहा हूँ, हर साल भाई 22 जनवरी मनाई जाएगी धूमधाम से, और बहुत गर्व, मैं मुझे बहुत प्राउड फील होता है, कई बार तो गूज़बम्स भी आते हैं वीडियो देखते हुए कि हम उस टाइम में जीवित है, मतलब देखा है, मतलब वो जनरेशन है जिन्होंने राम मंदिर बनते देखा है। और पूरी दुनिया में यार, जर्मन सिंगर से लेकर हर जगह आप देखोगे, एक वीडियो थी जिसके अंदर कश्मीरी लड़की ने भी गाना गाया है जय श्री राम। तो ये चीज होती है कि जो अपने हिस्ट्री से पीछे, अरे एक बात बता दो, वो फैन बन रहे किसके, मुगल को हीरो मान रहे, भाई आपके भारत में आकर हमारी धरती पर कब्जा करके इतने लोगों को कन्वर्ट करा गए, हर चीज करके चले, उनके तो तुम फैन हो रहे हो। ये जो पाकिस्तान के लोग फैन हो रहे थे, एक बात बता दो, ये भी तो भारत, ये भी भारत के हिस्से थे और वहां से आके इनके दादा परदादे सब कन्वर्ट हुए, फिर ये आधे ज्यादा बने। लेकिन आवाज बहुत प्यारी है जब उन्होंने गाया था। भाई वीडियो जरूर शेयर कर देना, मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।